शेयर करें, कमेंट भी करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ कर देना। ऐसे स्थान पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर राजा भरत, कौन से भरत, राम के भाई, ना 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 ना, दूसरे भरत की बात कर रहे हैं, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और जो राजा भरत बचपन में शेरों के साथ में खेला करते थे, शेर के मुंह को ऐसे चीर करके दांत गिन लेते थे, इतने महान तपस्वी जो भरत थे, उनका बचपन जहां बीता उस स्थान पर हम आपको लेकर के जा रहे हैं, और जहां पर उनका जन्म हुआ, एकदम जंगल और गहरा जंगली इलाका था, अभी नहीं है, अभी वहां पर शहर बना हुआ है। दोस्तों ये राजस्थान राज्य के कोटा में ही कंसवा में स्थित है, कोटा के अंदर ही कंसवा नाम से स्थान भी है और ये कंसवा महादेव मंदिर भी है। करीब 1200 से 1300 साल पुराना ये शिव मंदिर है और अभी हम यहाँ मंदिर के अंदर जा रहे हैं। करीब 1200-1300 साल पुराने मंदिर को देख रहे हैं, आज ये कोटा के अंदर ही है, लेकिन कंसवा स्थान जो है वो बहुत प्राचीन है। यहाँ इस स्थान पर कभी ऋषि कर्णव का आश्रम हुआ करता था। अब ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश का नाम भारत जो है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा। तो राजा भरत कौन थे? राजा भरत दुष्यंत के पुत्र थे और दुष्यंत जो है वो राजा भरत के पिता थे। महाभारत के अंदर जो कड़ी है जिसके अंदर भीष्म पितामह है, उसी वंशज के अंदर थे। भीष्म पितामह, उससे पहले जो शांतनु और उससे पहले थे भरत, और उससे पहले जो यहाँ पर भरत थे, और उनसे पहले जो दुष्यंत थे राजा भरत के पिता। तो राजा भरत के नाम पर भारत का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो बहुत ही वीर पराक्रमी थे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को दूर दूर तक जीत करके एक किया था, और साथ ही वो बचपन में इसी स्थान पर खेला करते थे। ये मंदिर है शिव जी का, वो तो ये तो 1200-1300 साल पुराना है, जो इस प्राचीन स्थान के ऊपर 1200-1300 साल पहले बनाया गया। इस मंदिर की आप कला देखिए, एक एक पत्थर जो है वो बहुत ही विशेष तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत भारी भारी पत्थर सेलेक्ट करके लगाए हुए हैं। और ये शिव जी का पुराना मंदिर 1200-1300 साल पहले, लेकिन इस स्थान पर पहले कर्णव ऋषि का आश्रम हुआ करता था। यहाँ पर दुष्यंत जो भरत के पिता थे वो आए थे, और ऋषि जो कर्णव थे उनके आश्रम पर शकुंतला रहती थी, तो शकुंतला से उनका यहाँ पर मिलन हुआ, और शकुंतला और जो दुष्यंत थे उनके पुत्र हुए भरत पैदा। अब दुष्यंत यहाँ से वापस हस्तिनापुर चले गए, हस्तिनापुर यानी दिल्ली मान सकते हैं आज के समय में, तो हस्तिनापुर राजधानी चले गए, और शकुंतला के यहीं पर भरत हुए, और फिर जंगल में फिर यहीं पर खेलते थे शेरों के साथ में, उनका जो खेलना और सब चलता रहता था, तो इसलिए वो बाद में आगे बढ़ चल कर के फिर राजा बने देश के। दूर दूर तक उन्होंने अपना परचम लहराया, तो इसलिए जो महान पराक्रमी राजा हुए हैं हमारे देश में, उनमें से एक नाम राजा भरत का है, और उनका ये जन्म स्थान माना जाता है। अभी तो कोटा के अंदर ये स्थान है, तो पूरा शहर बसा हुआ है, लेकिन कभी यहाँ पर जंगल हुआ करता था। दोस्तों ये जो मंदिर है अंदर गर्भगृह के अंदर, यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके पास में ये गणपति जी है, पूरा यहाँ पर मूर्तियाँ हैं पुरानी पुरानी रखी हुई, जिनके अंदर एक ये ज्योति भी जल रही है यहाँ पर लगातार। और पूरे जो मंदिर परिसर के अंदर आप देखेंगे तो पूरे कलात्मक रूप से यहाँ पर जो कलाएं बना करके फिर पत्थर लगे हुए हैं, ये नंदी और ये विशाल अंदर से पिलरों के ऊपर। और बाहर अगर आप आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए 1300 सालों के अंदर क्या किस तरह से यहाँ पर ये स्थापित, शायद इसके ऊपर लगातार जल चढ़ाते रहने से आप देख सकते हैं मूर्तियाँ भी 1300 साल हो गए यहाँ पर रखे हुए। बाहर हनुमान जी का स्थान भी है यहाँ पर, और ये एक छतरी भी है बाहर की साइड में। ये मंदिर अगर आप शाम के समय आएंगे तो ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं आएगा आप, इसलिए सुबह के समय में आएँ। और आप बाहर कई सारे चबूतरे देखेंगे जिनके ऊपर शिवलिंग स्थापित है, और लोग जो आते हैं यहाँ पर दाने कबूतरों के लिए डालते हैं। एक ये देखिए पिल्लर भी है यहाँ पर, तो ये क्या है कि यहाँ पर जो ऋषि हुए हैं उनकी समाधि स्थल है, जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं शिवलिंग जगह जगह पर और चबूतरे देख रहे हैं, ये ऋषियों के समाधि स्थल हैं जो यहाँ पर तपस्या करते थे पहले कभी उनके। यहाँ स्थापित अगर आप शिवलिंग और शिवलिंगों के ऊपर जो
मुख बनाए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आपकी इनके ऊपर हजारों वर्षों से जो जल चढ़ाया गया है उससे आज तक ये शिवलिंग उसी रूप में है, और जल भी हजारों सालों से चढ़ाया गया, ये भी आप इनके ऊपर आसानी से देखकर इनको समझ सकते हैं कितने समय से ये हैं। अब ये जो मंदिर है, इस मंदिर के पास में जस्ट बाहर की तरफ में थोड़ा नीचे की साइड में यहाँ पर स्नान करने के लिए कुंड और घाट बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है स्नान करने के लिए, और पानी से खूब सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। पवित्र कुंड के अंदर बहुत ही अच्छा माना जाता है यहाँ पर स्नान करना। दोस्तों पहले के समय में जो है वो प्राकृतिक रूप से ज़्यादा रहते थे लोग, जितने भी ज़्यादातर इसी तरह से कि कुटिया बनाते, आश्रम बनाते, झोंपड़ी हो गई, और वो भी जंगल की लकड़ियों से, पेड़ के पत्तों से इसी तरह से बनाते थे, और फिर उन्हीं के अंदर रहते थे। जिससे क्या है कि वो सारे के सारे आज के समय में अगर हम ढूंढें कहीं पर अवशेष तो हमें वो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन वो जो स्थान थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इस तरीके से फिर जो स्थान जो है उनके अंदर ये मंदिर जैसे 1200-1300 साल पहले बाद में बना है। ये मंदिर कहाँ है? वो मंदिर दिख रहा है दोस्तों, पूरी तरह से भक्त बन रही है धीरे धीरे सिया। हर मंदिर में जाना और फिर मंदिर में पूजा पाठ करना। अब आप जा रहे हैं प्राचीन भैरव मंदिर। यहाँ से मंदिर का अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों। दोस्तों ये प्राचीन भैरव मंदिर और माताजी का मंदिर भी यहीं पर है। दोस्तों इनका निर्माण जो ये मंदिर शिवजी का मंदिर बना और इनका निर्माण हुआ उस समय इस जंगल में यहाँ ऐसे ही नहीं हुआ, रहते थे यहाँ पर ऋषि रहते थे और तपस्या करते थे। उसी समय फिर मंदिर निर्माण हुआ शिवजी का इस स्थान के अंदर, और ये जो इस साइड में है भैरव जी का मंदिर, माताजी का मंदिर, इस स्थान को देख करके भी ऐसे लग रहा है कि ये मंदिर के साथ साथ यहाँ पर रहने का स्थान भी होगा। इस साइड में हम आए हैं और थोड़ा सा उस मंदिर से ऊपर की साइड में स्थान है, और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से जगह जगह छतरियाँ हैं, शिवलिंग है। एक्चुअली ये महर्षियों की, ऋषियों की समाधि स्थल है, जो बाबाओं ने यहाँ पर समाधियाँ ली हैं, तपस्या भी करते थे तो उनका ये स्थान है। ये जगह जगह पर, खूब सारी जगह पर ऊपर की साइड में पार्क बना हुआ है, तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये कोटा के आसपास है ना ये दर्रा वाला? हाँ, इस यहाँ पर हम जाके आ गए, यहाँ पर भी जाके आ गए, ये इसके जस्ट पास में ही था। ये कंसुआ हो गया, ये सबसे ऊपर वाला ये कहाँ पर है? ये कितनी दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। अच्छा, ये शेरगढ़ में? हाँ, यहाँ पर भी जाके आ गए, शेरगढ़ का किला देखा था। ये अट्रू भी जाके आ गए, और ये चार खंबा छतरी जो इसमें कौन सा गढ़ है वो विलासगढ़, वहाँ पर भी। अच्छा, जो आसपास के जितने भी उन सब का है इसमें के? दोस्तों ये बुकलेट जो आप देख रहे हैं ये इसी मंदिर के अंदर जो पुरातत्व विभाग का ऑफिस है उसके अंदर हमें मिली, और इसके अंदर काफ़ी सारे स्थान आप देख चुके हैं, और जो आप नहीं देखे हैं आपने वो आगे के वीडियोज़ में आप देखेंगे जो प्राचीन हाड़ौती के अंदर स्थान है। दोस्तों ये जो राजस्थान की कंप्लीट यात्रा कर रहे हैं हम ऐतिहासिक स्थलों की, उससे शारदा जो इतनी इंस्पायर हो गई कि महाभारत देखनी शुरू कर दी है, क्योंकि है ही कुछ ऐसा कि जैसे जैसे हम
हकीकत में वो स्थान देखते हैं तो फिर मन करता है कि उसके बारे में और ज्यादा जानें और क्या हुआ होगा, इतिहास में क्या था, क्योंकि इस स्थान के बारे में जो हमने अभी यहाँ पर देखा है इसका लिंक महाभारत से जुड़ा हुआ है और महाभारत के अंदर जो पात्र है महाभारत के जिसमें भीष्म है उससे पहले भरत हुए थे राजा, जो क्या नाम था, शांतनु, शांतनु भीष्म के पापा शांतनु, शांतनु के पिता थे भरत और भरत के पिता दुष्यंत, कुछ इस तरह से है। रियल में से है कि भरत ने अपने बेटे को नहीं बनाया राजा। अच्छा भरत ने प्रजा में से किसी को मतलब जो मतलब श्रेष्ठ लगा उसको बनाया, जो राजा भरत ने, तो इसीलिए राजा भरत के 9 बेटे थे उनमें से किसी को नहीं बनाया, किसी को भी राजा नहीं बनाया, राजकुमार बनने के योग्य नहीं लगा। अच्छा तो ये है इसलिए जो राजा भरत को इतना महान माना जाता है और जो सबसे शक्तिशाली भारत के राजा हुए हैं उनमें से एक राजा भरत को माना गया है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 125 नहीं, 250 भी नहीं, इतने सारे शिवलिंग हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो कोटा का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, कोटा में यहाँ पर खूब सारे लोग और बाहर से भी खूब सारे लोग जाते हैं, वहां पर है 525 शिवलिंग। दोस्तों सिया तो सो गई, आज दोपहर की सोई हुई नहीं थी, शाम के 5 बज गए, 4:30 बज गए शायद, जूस तो मैं पी गई। ठीक है तो कोई बात नहीं और बना लें। और हम पहुंच गए शिवपुरी धाम, ये हमारे पीछे ये 525 शिवलिंग, चलिए आपको भी दिखा देते हैं, बता देते हैं आपको स्थान के बारे में कि यहाँ एक राणा रामपुर जी महाराज नागा साधु बाबा तपस्या करते थे, वो नेपाल घूमने के लिए गए और उन्होंने वहाँ पर जो है वो देखा कि इस तरह का 525 शिवलिंग का मंदिर था, वो छोटे छोटे मंदिर थे, शिवलिंग थे वहाँ पर, फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा स्थान हमारे भारत में भी होना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया कोटा में इस स्थान पर 525 शिवलिंग बनाने की योजना बनाई। सबसे पहले उनके दिमाग में जो आया था योजना तो 1985 में बनाई, हाँ उन्होंने ये योजना जो है 1985 में बनाई, फिर 1987 में उन्होंने द्वादश और शंभुलिंग की स्थापना की और उसके बाद में 2007 में 525 शिवलिंग की स्थापना की है और ये मंदिर बन के तैयार हो गया। यहाँ का दृश्य जो है वो अगर आप महाशिवरात्रि के दिन आएंगे तो वाकई में आपको अद्भुत देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग लाइन लगा करके और सभी शिवलिंगों पे जल चढ़ाते हैं, लाइन वाइज ऐसे आते हैं, फूल और जल चढ़ाते हैं एक 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 एक, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा अच्छा दृश्य लगेगा वो। चलो अभी हम देखते हैं। सिया तो सो रही है, ये लख चौरासी यंत्र है और इसमें प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना होगा, साथ में मन मन में जाप करना होगा गुरु मंत्र का, और उससे भी पहले आपको दान पात्र दिया हुआ है उसमें कुछ पैसे डालने होंगे। गुरुमुखी मतलब जिसका गुरु बनाया हुआ वही होगा ना। बीच में देखिए स्वास्तिक और ये एकदम किस तरह से बनाया हुआ है, ये यहाँ पर है यज्ञशाला। तो देखिए दोस्तों जो राणा रामपुरी जी थे वो तो देवलोक 1987 में ही सिधार चुके थे, उसके बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये पूर्ण करवाया सनातन पुरी जी महाराज ने 2007 में। तो हो गए तो अब जैसे ये छत धरी है ना इसमें, अच्छा ये छत अभी धरी है बाद में, हाँ, एक साल हो गया और इसके अंदर वाले शिवलिंग भी बाद में स्थापित किए, ये सब बता दिए थे
525 में ये भी शामिल है क्या? सारी शामिल है। और वो स्टील का है या किसी स्टील का है? उसके अंदर वो जो वो है ना स्टील वाला, हाँ हाँ, बीच में था वो। अच्छा स्टील वाला पहले यहाँ पे था? स्टील का नहीं था वो पहले, तो बीच में था, उसमें क्या गड्ढे गड्ढे पड़ गए। अच्छा, तो उसको वहाँ फिट कर दिया, ये नया आया ये, उसको स्टील का कवर, अष्ट धातु का कवर है, उसको जंग नहीं लगता। अच्छा उसमें जंग नहीं लगेगा, अष्ट धातु का है, जंग नहीं लगेगा, स्टील का नहीं है इसका मतलब? अच्छा अष्ट धातु का बना हुआ, जंग नहीं लगेगा। अब ये इधर की तरफ छाया हो जाएगी। इसमें कितने 1008 है क्या? कितने उसमें? तो 1008 है। 1008 छत बनेगी ना, जैसे फांसी की बनी हुई है ना, हाँ। इसी तरह से बनेगी छत। अच्छा ऐसी कैसी छत बनेगी? ऐसी जैसे इसी गोलाई दी है ना, इसी तरह से गोलाई में फांसी बनेगा, हाँ। और मंदिर ऊंचा हो जाएगा, और ऐसे जो गुम्बद ऊपर बना ना शिखर, हाँ। वो भी बनेगा। अच्छा। ये 52 फुट में अभी। अच्छा तो अभी काम चल रहा है, मतलब ये जब बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा बन जाएगा फिर। इसमें क्या है, लोगों को परेशानी आती है गर्मी में, बरसात में गर्म हो जाता है, जा ही नहीं सकता आदमी। हाँ ये भी सही है। और वो हमारे समझ में नहीं है, मतलब उसके अंदर वो कौन सा लक्ष्य 84 यंत्र है? 84 लक्ष्य 84 यंत्र है। उसमें कोई कौन जा सकता है? जिसके गुरु हो, जिन्होंने गुरु रक्षा ले रखी है वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, बाकी जा नहीं सकते। यहाँ के नहीं, कहीं के भी कोई अच्छा, भी कहीं गुरु, जिन्होंने गुरु बना रखे हैं बस। जिन्होंने आप दीक्षा दी है, आपको आपने दीक्षा ली है, गुरु ने जो मंत्र दिया वो मंत्र पढ़ के अंदर जाना है। अच्छा, नहीं मानो मंत्र का याद नहीं होता तो ओम नमः शिवाय का जाप करके भी अंदर जा सकते। अच्छा अच्छा, ये रणारामपुरी की तस्वीर है पुरानी। अच्छा ये धूप में रहने से थोड़े से धूप में रहने से थोड़े ऐसे हो गए कलर में? ये सब साबुन लगा के सर्फ लगा के घिस दिए। अच्छा हो गया, अब इसमें घी लगेगा ना, चमक आ जाएगी। अच्छा अच्छा, घी भी लगाएंगे इनके ऊपर? घी लगता है सब पे, ये सब लगा ना घी, सब में घी लगेगा, चमक जाएंगे, चमक जाएगी। आप भी यहीं रहते हो गए? नहीं मैं तो घर रहता हूँ। अच्छा पास में घर है आप? चौरी में। अच्छा ऊपर से देखें तो एक स्वास्तिक जैसा है ना? हाँ स्वास्तिक जैसा है पूरा ऊपर से। अब इसमें भी आपको देखोगे ना अलग अलग आकार के मिलेंगे। अच्छा डिजाइन अलग अलग है? डिजाइन तो सबकी एक जैसी है, इनके अंदर जाके देखो ना तो रूप अलग से मिलेगा, थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा देख लो आप, नजर आ जाएगा आपको। हाइट में भी थोड़ी कम ज्यादा, कम ज्यादा है किसी को? अलग अलग आदमी का हिसाब से लाए सब लोग, अलग अलग लोगों ने बनाया। अब इसमें देखो अलग अलग रूप में नजर आएंगे आपको। दोस्तों क्या आपको इस बात का यकीन होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 525 शिवलिंग को जल चढ़ाने के लिए रोज आते हैं, रोज वो एक नहीं 525 शिवलिंग के जल चढ़ाते हैं। आप यहाँ पर सारे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसा लगता है भगवान सुन रहे हैं तो बहुत बड़े चढ़ा देती हूँ, तो आती जब पूरों पे चढ़ा के जाती हूँ। अच्छा दोस्तों ये बात ध्यान से आप समझ लें, भगवान की तरफ मुंह होना चाहिए, पीठ ना करें, फोटो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये जो 525 शिवलिंग है उनके बीचों बीच ये शिवलिंग है जिसके चारों दिशाओं में मुख है। दोस्तों यहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार ही है, जिनमें ये गणेश जी और कार्तिकेय, माता पार्वती भी यहीं पर विराजमान है, और साथ ही यहाँ पर जो नंदी और वो जो अष्ट धातु वाला शिवलिंग यहाँ पर है। बाकी जो है आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो आपने स्थान देखे वो भारत के राजस्थान राज्य के कोटा के अंदर ही स्थित है, जिनमें सबसे पहले जो आपने देखा था यहाँ पर मंदिर, वो मंदिर जो पुराना शिवजी का कंसुआ महादेव, जहाँ पर राजा
भरत का जन्म स्थान माना जाता है, जिनके नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा, वो ये स्थान है। ये पानी के यहाँ पर आपको कुंड नज़र आ रहे हैं और ये यहाँ पर मंदिर, इससे थोड़ा सा ऊपर की साइड में ये जो आप देख रहे हैं गार्डन है, यहीं पर ये यहाँ पर भैरव जी का मंदिर है। और उसके बाद में जो आपने दूसरा एक और स्थान देखा वो है शिवपुरी धाम। यहाँ पर ये साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नहर है और ये यहाँ पर शिवपुरी धाम। ये 525 शिवलिंग अगर आप ऊपर से देखें तो स्वास्तिक के रूप में आपको दिखाई देंगे, इस तरह से एक स्वास्तिक बना हुआ है और ये यहाँ पर शिवपुरी धाम। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोटा और उसके आसपास के स्थान। हाय, मैं शुभचरण यूट्यूब चैनल को हमेशा देखता हूँ।